आप आपने उस मछली को उसी मकसद के लिए बनाया था परमेश्वर पिता कि आप उसके उसकी हिफाजत कर सके खुदा बाप हम गहराइयों में मौत की वादियों में भी चले जाते हैं पिता बाप वहां पे भी आपकी आपकी अरेंजमेंट हमारे लिए योजनाएं होती है परमेश्वर की वो शैतान हमें खाना चाहे कैसे शैतान उसको खा सकता था जो परमेश्वर का चुना हुआ था परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे आपने अपने हाथ को बताया किस तरह से मौत की वादियों नबियों में से उस दो लोग में से खुदा बाप की जब वो दब चुका था खुदा बाप समुद्र की गहराइयों के नीचे जमीन के अंदर वो गड़ चुका जहां पे आग उसको जला रही थी फिर भी आपका फैला हुआ हाथ खुदा बाप उसको वहां से निकाल के ले आया खुदा बाप आपका हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमें बचा ना सके ना आपके कान बह रहे जो हमें सुन ना सके ना आपकी आंख पलक झपकती है कि हम खुदा हम उस ब्लेसिंग को मिस कर सके परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका प्यार इतना महान है यीशु मसीह को आपने खुदा बाप हमारे लिए भेज दिया उन दुष्ट आत्माओं की मार भी यीशु मसीह ने खा ली ताकि हम उस दुष्ट आत्माओं से घेरे ना रहे फिर भी परमेश्वर पिता हम अपनी आज्ञाओं को नहीं मानकर उन दुष्ट आत्माओं के जब में आ जाते हैं बीमारियां हम पर आ जाती है हमारे बच्चे वो होल्ड करके रखता है फेलियर को हमारी जिंदगी में फैला देता है बरकत को रोकता है हमारे घरों को गाड़ी को हमारे रिश्तेदारों को हमसे जुदा कर देता है छीन लेता है खुदा बाप आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे मांगती हूँ कि सबकी आंखें खुल जाए खुदा बाप और विश्वास का जोर इस तरह से बढ़े खुदा बाप वो फेथ लेवल इस तरह से बढ़े चाहे हम देखे या ना देखे वो खुदा बाप फेथ इस तरह से होली गोस्ट के पावर में खुदा बा इस तरह से जोर मारे खुदा बाप कि शैतान चीखे चिल्लाए और निकल जाए अभी यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं हम आपका धन्यवाद करते हम जितना भी धन्यवाद कर, करे, करे खुदा बाप उतना कम है क्योंकि आपका राज्य सदा का है खुदा बाप उस शैतान ने घमंड किया और उसको फेंक दिया गया खुदा बाप हम भी अपने घमंड में कहीं ना कहीं हम दोस्तों के आगे बच्चों के आगे किसी न किसी दारों के आगे कहीं कही ना कहीं हम किसी न किसी बात पे घमंड कर चुके हैं हम हमारे बापों को मान लेते हैं खुदा बाप क्योंकि एक घमंडी है या एक अग्नाकांत है खुदा बाप जिससे हम आपसे अलग हो जाते हैं जैसे जोना कहता है कि मुझे पता चला कि मैं अपने परमेश्वर से अलग किया कर दिया गया हूं क्या क्योंकि मैंने उसकी बातों को नहीं माना मैंने अंजील को नहीं सुनाया मैंने ट्रस्टिमुनी को नहीं सुनाई मैंने परमेश्वर की बातों को अनसुना किया वो मेरा हाथ मेरे परमेश्वर से छुट गया लेकिन फिर फिर भी जब मैंने पश्चाताप किया मैंने उसकी नाम की दुहाई दी तब परमेश्वर ने मेरी मदद की और मुझे बचा लिया अधोलोक से मौत से बचा लिया खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सारी टेस्टिमनियों के लिए खुदा बाप कि जिसकी वजह से आज भी हम जिंदा है मैं बाइबल के लिए वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके जी उठने के लिए अगर आप जी ना उठते आप खुदा बाप अपने लोगों को ना देखते तो शायद हम कभी नहीं मानते क्योंकि हम हमारा विश्वास इतना कमजोर है हम जब तक देखते नहीं है तब तक मानते नहीं है पर विश्वास आपकी ओर से आता है खुदा बाप जिन्होंने आपको देखा खुदा बाप उनको वो सारी बरकत मिली पर जिन्होंने विश्वास किया उनको दुगनी बरकतें मिली मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए खुदा बाप तेरे बेटे के लिए तेरी बेटी के लिए जो खुदा बाप इस ऑल्टर को सजाए बैठे खुदा बाप जिन्होंने लिफ्टअप किया खुदा बाप तेरे लिए खुदा बाप तेरे बच्चों के तेरे बेटों के लिए खुदा बाप एक मोजेस की तरह खड़े हो गए खुदा बाप और खुदा बाप जैसे जखारिया खुदा बाप तेरी आराधना करता था उसने कभी नहीं किया मेरे पास बेटा

खुदाबाप में धन्यवाद करती हूँ उनकी जिंदगी के लिए उनके घरानों के लिए खुदाबाप में जिंदगी को सलामती को मांगती हूँ गिर्द भटकती है बीमारी के रूप में फेलियर के रूप में मनी लैकिंग के रूप में और बोरिंग के रूप में लेजीनेस के और स्लीप के रूप में जो भी वहां भटकती है कमजोरी की आत्माओं चीखो चिल्लाओ और निकलो जाओ यहाँ से प्रभु यशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु यीशु मसीह के दूत मैं आपको भेजता हूँ आप और उन खुली तलवारों से उनके टुकड़े कर दो निकालो उनको और पहरे लगा दो आग की लग जाए यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर इस घर में इतनी फायर आए खुदा बाप जिंदगी के ताले खुल जाए शैतान के राज खुल जाए खुदा बाप इनको इतनी रेवुलेशन से भर दे खुदा बाप की वो जो लोग तुझे नहीं जानते तेरे पावर को नहीं जानते समझते नहीं है वचन को समझते नहीं है कमजोर है खुदा बाप उन तरह से जोर खुदा बाप इनका भर जाए खुदाबा भर जाए भर जाए भर जाए यीशु मसीह के पावर से भर जाए होली घोष फायर होली घोस्ट फायर होली घोष फायर खुदा बाप उनकी आवाज भी जिन कानों में पड़े वो दुष्ट आत्माएं चीखे मार के निकल जाए जो गर्भ बंद पड़े हैं वो खुल जाए वो गुप्तांग की हरेक वो समस्याएं वो गिल्टियां सारी मर जाए खुदा बाप गंदी आत्माएं दुष्ट आत्माएं जो छुपी है शरीरों में वो निकल के चीखे चिल्लाए निकले जादू टोना निकले अभी चीखे चिल्लाओ और उल्टियां करो निकल लो यहां से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जिन्होंने हमारे लिए खून बहाया है जिन्होंने हमारे लिए वो सब कुछ किया और हमें वो अधिकार दिया है परमेश्वर ने उसी अधिकार से हर एक दुष्ट दुष्टात्मा जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठी है राजो को जान रही है लोगों को आने नहीं दे रही है तो निकल 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 अभी होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ चीज सारी दुष्ट दुष्टात्माए निकले स्किन एलर्जी जाए यशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु के मंदिर को तो खराब नहीं कर सकता उनकी चमड़ियों तू बेशर्मी में उनकी कदमों को तू नहीं रोक सकता निकल यहां से तेरे ऊपर में अभी होली गोस्ट की फायर को भेजती हूं Fire fire in in the the name name of of Jesus, Jesus. Holy Ghost womb इन द नेम ऑफ जीजस फायर hai, द नेम ऑफ मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप उनके womb अभी यीशु मसी नासरी के नाम में खुल जाए हर एक दुष्टात्माए निकले उल्टियाँ करे निकले निकले निकलो निकलो खिला खिलाया पिलाया बाहर in the name of Jesus, जहाँ से भी आए हो पेड़ों से बाजारों से पथरों से गुस्से से रास्तों से निकलो निकलो तुम एक रास्ते से आए हो तुम सात रास्तों से भागोगे परमेश्वर के फरिश्ते में आपको बेचती हूं उनको निकालो पकड़ो उनको बांधो और हमेशा के लिए उनको बंद कर दो यशु मसीह नासरी के नाम में जब वो यहां से निकले वो कहीं और ना जाए पर वो चली जाए जहां परमेश्वर ने उसको जाने का हुक्म दिया है तुम इबलीस की ताकत छोड़ो परमेश्वर की कलिशक और जाओ तुम्हें जहां जाना है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए नर्क ठहरा है तुम अभी नर्क में बंद हो जाओ यशु मसी नासरी के नाम में जिन्होंने प्रभु के नाम पे बाप्तिज्म लिया है उनको जीवन मिले बहुत जीवन मिले बाइबल ना पढ़ने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे चिड़कती हूँ परमेश्वर के दूतों को हुक्म करती ले जाओ यहाँ से जो आराधना करने करने से रोकती है। करने से रोकती रोकती है है प्रार्थना चर्च में संगति में जाने से रोकती है हर एक को दुष्ट आत्मा में तुझे हुक्म करती हूँ निकलो निकलो जादू की आत्माएं विचक्राफ्ट की आत्माएं जो भी यहाँ पे बैठी है सुन रही है और कह रही है कि ये कुछ नहीं करेगी प्रभु की आग तुम पर उतरे प्रभु की आग तुम पर उतरे निकलो निकलो चीखो चिल्लाओ और निकलो मुंह से नाक से कान से पेट से निकलो यीशु मसी नासरी के नाम से निकलो यहां से प्रभु के मंदिर में तुम नहीं ठहर सकते मैं प्रभु की आग को भेजती हूँ फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु का बदन वो कमजोर नहीं था ना प्रभु का खून कमजोर है आज भी उसकी खून और की ताकत से उनके बदन की ताकत से रूह की ताकत से आज भी परमेश्वर के लोग खड़े हैं तेरे अगेंस्ट में परमेश्वर के दूत हमारे बातों का इंतजार करता और मैं आज्ञा करती हूँ आप जाइए और उन से उनको जलाए उनको बांधे तुम्हारी खुली तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए बहरी मूंगी आत्माएं निकल यहाँ से इनप्रॉस्परेट की आत्मा निकल यहाँ से और जो जो भी अंधश्रद्धा की आत्मा है निकल यहाँ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे दोरे धागे को तोड़ती हूँ मैं प्रभु

पे कोई भी ऐसा पेड़ नहीं खड़ा रहेगा जिसके ऊपर किसी की जान बंदी है प्रभु यीशु मसीह की खून की ताकत को मैं अभी बुलाती हूँ परमेश्वर के दो चाव और उन सारे धागे की ताकत को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खत्म कर दो जो लोग मरे लोग जो है जो घर में रहते हैं लोगों की शरीरों में रहते प्रभु यशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें हुक्म करती हूँ छोड़ो इन बदनों को प्रभु यशु मसीह के नाम में जो भी पाप उन्होंने किए हैं प्रभु ने उसका भुगतान किया है हमारे पापों के कारण वो मारा गया हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया हमें शांति मिले इसलिए उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं हम चंगे हो चुके हैं शैतान तो सुन ले तेरा राज यहाँ पे नहीं चलेगा दुष्ट आत्मा तो निकल गंदी व्यभिचार की आत्मा निकल यहाँ से जो एक दूसरे पे दोष लगाने वाली आत्मा निकल यहाँ से डिप्रेशन की आत्मा फियर की आत्मा गंदगी बीमारी की आत्मा शुगर की आत्मा ब्लड प्रेशर की आत्मा कैंसर की आत्मा पथरी की आत्मा गिल्टिया की आत्मा अंधश्रद्धा की आत्मा निकल 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 चिल्ला और निकल यहाँ से प्रभु यशु मसीह नासरी के नाम से हम अपने सामर्थ से नहीं अपने परमेश्वर की सामर्थ से तुझे हुक्म देते हैं हम अपनी ताकत से नहीं पर प्रभु की आत्मा की ताकत से होली स्पिरिट फायर हम उसी की आत्मा से तुझे आज्ञा करते हैं निकल यहाँ से तेरे तेरे प्लान सारे फेल हो जाए, हो जाए जाए डिसमेंटल मसीह नाम में निकल अभी निकल निकल खिला पिला, इन द नेम ऑफ सारी कुखों को बांधने वाला बच्चों को पैदा नहीं होने वाला हस्बैंड वाइफ में झगड़ा कराने वाला निकल तू यहां से आत्मिक हस्बैंड और वाइफ बन के बैठा है तू निकल यहाँ से तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तू जिसम में आके एंजॉय करे क्योंकि परमेश्वर ने तुझे एक भटकती आत्मा अंधेरे की आत्मा बनाई तू में वापस चली जाए अभी इसी वक्त जा तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं जिस तरह से परमेश्वर ने योना नबी के लिए मछली को भेजा उसको बचाया वैसा आज ही परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहा है होली गोस्ट की फायर को फेंक रहा है कि अपने लोगों को जिसने तूने फंसा के रखा है तूने था वो तेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं पाएगा लेकिन आज उनका दिन है आज तेरा आखिरी दिन है निकल इस प्लेटफॉर्म पर से जा यहां से निकल यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर Fire, Holy Ghost fire प्रभु तो इनके पापों को माफ कर जो कबूला नहीं है खुदा बाप हम उनको कन्फेस करते हम गैप में खड़े रहते परमेश्वर पिता तो उनको माफ कर तू दया का सागर है परमेश्वर पिता इनके जिस्मों को आज खुदा बाप आजाद कर दे अपनी ताकत से भर दे होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर संगति में जाने वाली रोकने वाली दुष्ट आत्मा में तुझे यहां से बांध के भेजती हूँ परमेश्वर के दूतों को आज्ञा करती हूँ कि परमेश्वर के पास रोकने आने से रोकने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं को इस तरह से बांधो की प्रभु यशु के आने तक वो निकलने ना पाए जो आराधना करने से रोकती है जो घुटनों में दर्द को पैदा करती है तू निकल तू श्रापित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाथ उठाने से रोकती है शर्माने वाली शर्मिंदगी की आत्मा निकल तू यहां से यीशु मसीह नासरी के नाम में हरे गांठ जाए मुँ की मुँह के मुँह के अंदर की गांठ कान की गांठ नाक की गांठ जाए गले की गांठ थायड जाए अंडर आर्म्स की ब्रेस्ट की गांठ है जाए जाए गर्भाशय की गांठ है निकल जाए अभी यीशु मसीह के नाम में सूजन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिस दुष्ट आत्माओं ने लीवर को पकड़ा है किडनी को पकड़ा है हार्ट को पकड़ा है शरीर को जिस्मों को आत्मा को मगज को पकड़ा है पागलपन की आत्मा निकल प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू यीशु को जानता है तुझे पता है तेरा कोई राज यहां पे नहीं है यीशु मसीह को मार के नोच के तेरा पेट नहीं भरा लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुझके ऊपर तुझे ऊपर तुझ ऊपर फता पाई है और आज वो जिंदा उठा है कब्र में से आकर परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला ये लो चाबिया और मारो इन दुष्ट आत्माओं को निकालो तुम्हारे घरों से जिंदगी से और बंद कर दो लॉक कर दो उनको और जीवो शान से जीवो परमेश्वर के लिए जीवो परमेश्वर के राज्य के लिए जियो परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है सुना तूने ये लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते थे अब से बाइबल पढ़ेंगे यशु मसीह के नाम में जो प्रार्थना नहीं करते थे वो करेंगे यशु मसीह के नाम में जो गाना नहीं गाते हैं वो गाएंगे यशु मसीह के नाम में जो यूट्यूब पे या दूसरी चैनलों को देखते परमेश्वर के नाम में तेरी दुकानें आज

ोगी प्रभु ने नहीं कहा था तुम भूखे मरोगे प्रभु ने बोला तुम अपनी मर्जी से अपने परमेश्वर के लिए छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ दो तुम्हें स्वर्ग के राज्य में बहुत ताज से मिलेगा लेकिन प्रभु ने नहीं कहा था तुम कंगाल रहोगे तुम बेघर रहोगे तुम बीमार रहोगे तुम बिना बच्चों को रहोगे प्रभु का वचन कहता है तुम्हें जीवन मिले बहुत तायज से जीवन मिले तुम खुश रहो तुम आनंदित रहो तुम पवित्र आत्मा के फल से बने रहो परमेश्वर के वचन को मैं कबूल करती हूँ प्रॉस्पेरिटी को बोल लेती हूँ मैं जो रास्ते नौकरी के बंद है वो खुल जाए इंटरव्यू जो फाइलें दबी है वो खुल जाए नौकरियां जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है वो खुल जाए जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो चमत्कार से पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगे तुम क ख ग से सीखना शुरू करो तुम्हारे पड़ोसी को बोलो तुम्हें सिखाए बाइबल को पढ़ने के इरादे से तुम पढ़ना सीखो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंजमेंट किया है बाइबल को पढ़ना सीखे आप अपना क ख ग ए बी सी डी से सीखे और परमेश्वर के वचन के लिए इस जहमत को उठाए सीखे क्योंकि तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे पेट के अंदर है जिस तरह से निन्वे का चमत्कार मछली के पेट में था वैसे तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे पेट में है बैठे बैठे प्रॉफिटो के पास भीख ना मांगो उठो दुआ करो प्रॉफिट की दुआ के साथ अपने हाथ को जोड़ दो वर्शिप में आ जाओ खुद वर्शिप वर्शिप करो 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 घर में वर्शिप करो। ब्रेकिंग ब्रेड प्रभु का राज्य तुम्हारे राज्य में तुम्हारे घर में आएगा ना कोई शैतान तुम्हारे आसपास मंडराएगा लेकिन वो सात रास्तों से दूर भागेगा प्रभु के लिए अपने हाथ उठाओ वचन को उठाओ घुटनों को झुकाओ सिर को झुकाओ ताली बजाओ परमेश्वर के लिए ओ बजाओ सोते ना रहो उठते बैठते परमेश्वर की दुआ करो पवित्र आत्मा को बुलाओ वो तुम्हारे लिए खड़ा है आप उनके लिए दरवाजे खोल दो यशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु का अपमान ना करो वचन पढ़ के प्रभु की गवाईया देखिए प्रभु का मान बढ़ाओ प्रभु का मान बढ़ाओ प्रभु का मान बढ़ाओ, बढ़ाओ रात दिन वो जानदार प्रभु का पवित्र पवित्र करके सम्मान करते हैं और प्रभु ने उनके लिए नहीं प्रभु ने हमारे लिए जान दी है गुड फ्राइडे रोज मनाओ यीशु को प्रभु को रोज मना को परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु के लिए ना रोवो अपने लिए रो अपनों के लिए रो जो लोग प्रभु के नहीं जानते उनके लिए रो प्रभु के लिए रो रोने की जरूरत नहीं है प्रभु ने तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर दिया अपने अधिकारों को 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 अथॉरिटी उठाओ उठाओ अपनी चाबियों परमेश्वर से भेदों को मांगो परमेश्वर जानता है हर एक की किस्मत को प्रभु तुम्हारे आगे सब कुछ खोल देगा परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा फरिश्ते तुम्हारे आगे पीछे है तुम उसका इस्तेमाल करो समय बर्बाद ना करो बच्चे चंद कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि अंधकार की शक्तियां तुम पर ना पड़े परमेश्वर के राज्य में चलो बेबी ब्लेसिंग को मैं खोल देती हूँ स्किन डिजीज के लिए मैं मैं हीलिंग का ऐलान कर देती हूँ जो लोग जो लोगों के पांव दुखते हैं जो शैतान ने पकड़ के रखे अब भी निकले यहाँ से यीशु मसीह नासरी के नाम में पांव आजाद हो जाए जिनकी एड़िया दुख रही है प्रभु के नाम में आजाद हो जाए शुगर की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में कैंसर सेल जिसमें बने अभी के अभी मुर्दा हो जाए रेड ब्लड सेल बनने लगे इतने खून में जिसकी कमी है वो खून की कमियां चली जाए माइग्रेन की तकलीफ चाहे आयन की कमी की तकलीफ जाए विटामिन की तकलीफ जाए प्रभु ने कभी बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कोई फूड तुम्हें हानि कर सकती है हर एक एलर्जी जाए क्योंकि परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया प्रभु ने बोला सब कुछ अच्छा है कोई खाना प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया जो तुम्हारे हेल्थ के खिलाफ हो क्योंकि प्रभु ने जब सब्जियां बनाई तो बोली वो तुम्हारे लिए है मछलियां बनाई प्रभु ने बोला तुम्हारे लिए है कोई मांस मछली हमारी हानि नहीं कर सकता उस पर प्रार्थना करो और खाओ कोई एलर्जी तुम्हें नहीं हो सकती किसी भी चीज से नहीं परमेश्वर ने बोला तुम किसी की चीज के गुलाम नहीं हो वो सब तुम्हारे गुलाम है वो तुम्हारे अंडर में तुम्हारी ऑथोरिटी में है तुम्हारे डोमिनियन में है अपने डोमिनियन को उठाओ राजा के बेटे की तरह चलो रॉयल्स की तरह जीवो उठो बैठो सोते जागते सिर्फ परमेश्वर का शिश्ता करो उसके आगे झुको बाकी जब बाहर आते हो जाते हो एक रॉयल्स की तरह रहो परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें राजा बनाया मैंने जक बनाया है परमेश्वर का धन्यवाद करो धन्यवाद करो तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी इच्छाएं कम और परमेश्वर की वर्षिप ज्यादा करो ताकि परमेश्वर तुम पर प्रसन्न हो और परमेश्वर तुम्हें उन खेतों में भेजे जहां पे हार्वेस्ट तो बहुत है पर लेबरर कम है है जहां पे कटनी तो बहुत पर काटने वाले कम है प्रभु तुम्हें भेजना चाहता है कब तुम प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में बैठे रहोगे रोते रहोगे प्रभु कहता है उठो जागो और जाओ मेरे लिए निन्नवे शहर में जाओ लोग वहां पे पड़े हैं अंधकार में शैतान का राज्य फैल चुका है आप उठिए और जाए परमेश्वर की परमेश्वर की महिमा करे उसकी गॉस्पल को कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी वो समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाओ फिर तुम परमेश्वर को पुकारो और परमेश्वर कहे मैंने तेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है लेकिन परमेश्वर दयालु है परमेश्वर के साथ चलो दुष्ट आत्माओं की ताकत तो तेरे सारे दरवाजे यशो मसी के नाम में मैं बंद करती हूँ तुझे मैं चाटा मारती हूँ दे उनके बच्चों को को नबियों पैदा होने दे को पैदा होने दे, होने दे दे जो लोग जॉन बैप्टिस्म की तरह प्रभु यशो मसीह का राज्य फैलाने वाले वो उनडर बच्चों को पैदा होने दे तेरा 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 कुख पे कोई अधिकार नहीं है पाओ पे अधिकार नहीं है हाथों पे अधिकार नहीं है घुटनों पर अधिकार नहीं है लीवर पर अधिकार नहीं ना उन घरों की चाबियां जो तूने दबाए रखी है परमेश्वर के नाम में फेंक दे अभी की, की, की नाम में जितने के लिए जितनों के लिए तूने एक्सीडेंट की तारीखें लखी है प्रभु यशु मसीह के नाम में इसको मैं डिलीट कर देती हूँ हर एक वो एक्सीडेंट जो तूने प्लान की है प्रभु यशु मसीह के नाम में फेल हो जाए हॉस्पिटलों

अंधकार में प्रभु यीशु मसीह के नाम है आज सब चंगे हो जाओ सब आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ प्रभु की महिमा करो ताली बजाओ प्रभु के लिए प्रभु ने तुम्हें आजाद किया है 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 प्रभु झूठ नहीं बोलता है। उसका खून बहा है। उसने हमारे लिए कोड़े कोड़े खाए वो दुष्ट आत्माओं ने उसको दिए थे क्योंकि उसने गुस्सा किया था प्रभु पर आज वो तुम्हारे अंदर रहते थे तो बहुत शर्मनाक बात है कि परमेश्वर का बेटा मरा फिर भी आप आजाद नहीं हो परमेश्वर कहता है उठो और जागो अभी भी देर नहीं हुई है प्रभु आपके साथ ही तुम्हारे दिए में तेल भर के रखो वरना वो जो पांच जो थी जो मूर्ख थी उसकी तरह बाहर निकाले जाओ क्योंकि तुम्हारे दिए में तेल नहीं है तेल भर के रखो तेल भर के रखो तेल भर के रखो कैसे भरे प्रभु कैसे भरे वर्षिप से भरे प्रार्थना से भरे घुटनों से भरे उपवास से सामर्थ आती है उपवास भरे उपवास से भरे दूसरों के लिए उपवास करे फास्टिंग करे दुआ करे प्रार्थना करे घुटने झुकाए उससे तेल भरा रहता है आत्मा का तेल उससे भरता है पवित्र आत्मा उससे अट्रैक्ट होता है उन छोटी छोटी बातों को दूसरों के लिए छोटी 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 दुआओं को परमेश्वर के लिए छोटी छोटी उन बातों को उन छोटी छोटी सेक्रीफाइस से परमेश्वर का बड़े बड़े काम तुम्हारे जिंदगी में हो जाएंगे उठो अपने तेल को अपने दिए को जला के रखो दूसरों की तरफ ना देखो किसी पे दोष ना लगाओ वही शैतान करता है क्योंकि दोष लगाने वालों परमेश्वर को दुख होता है परमेश्वर आप पे गुस्सा होते किसी के ऊपर दोष ना लगाओ परमेश्वर को वो पसंद नहीं है वो दुखी हो जाएगा आप परमेश्वर के दुखी चेहरे को गुस्से वाले चेहरे को देखोगे क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है कि तुम भाई पे दोष लगाओ क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है तुम उसको जान लो अगर तुम्हारा मन करता है तुम किसी को क्रिटिसाइज करो किसी के लिए बोलने का मन करता है पहचान लो कि वो दुष्ट आत्मा है वो वो तुम्हारे अंदर ख्यालों को डालता है वो माइंड से तुम्हारे अंदर आता है निकालो उसको, निकालो उसको प्रभु के पास माफी मांगो कि आपने अपने भाई के खिलाफ कहा क्योंकि वो तुमने नहीं कहा है दुष्ट आत्मा ने तुम्हारे मुंह का इस्तेमाल किया है मत करने दो उसको इस्तेमाल मत करने दो क्योंकि हमारा मुंह परमेश्वर की तारीफ के लिए है तारीफ के लिए तारीफ के लिए एडल्ट्रीज में जितने लोग पड़े वे विचार की आत्मा में तुझे मैं तुझे हुक्म देती हूँ निकल जहाँ जो लोग यहाँ बैठे उनके बच्चे वे विचार में पड़े हैं यूट्यूब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सारी दुष्टात्मा में तुझे बांधती हूँ निकल यहाँ से निकल यहाँ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में से निकल 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 तेरा यहाँ कोई जोर नहीं है तो उसमें आनंद नहीं ले सकता ये सिर्फ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया ये सिर्फ पति पत्नी के लिए बनाया ये सिर्फ प्रभु ने अपनी फर्जंद के लिए प्रॉफिटों को पैदा करने के लिए बनाया है निकल यहाँ से गंदी दुष्ट आत्माएं गंदी दुष्ट आत्माएं जो जो स के द्वारा आती है वो डरावने खाब जो लेके आती है दुष्ट आत्मा तू निकल 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 यीशु मसीह के नाम में निकल चीख और चिल्ला और निकल मुंह के द्वारा निकल पेट में से निकल 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 निकल, निकल इनके पाओ से हाथों से निकल 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 पकड़ने वाली आत्मा जो हाथ नहीं उठाने देती है निकल गंदे काम कराती है तो निकल नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर प्रभु आज तू सबको पवित्र कर दे प्रभु तेरे लो में पवित्र कर दे प्रभु हमें माफ कर दे हम से गलतियां हो गए हमने समझ भी नहीं पाया दुष्ट आत्मा हमारे साथ रहती थी हमारे अंदर रहती थी हम अपनों पर दोष लगाते रहे लेकिन वो दुष्ट आत्माए थी प्रभु तू हमें माफ कर कर दे हमें माफ कर दे आज हमें नया कर दे हमें चंगा कर दे प्रभु हर एक दुष्ट आत्माओं को निकाल दे प्रभु हमारी जिंदगी से उनकी उनकी जो भी खुदा बाप उनकी कमी कमजोरियां हमारी जिंदगी में रह गई आ गई है होली गोश्त तो उनको जला के भस्म कर दे वो हर एक बाब बात जो है उसने डाली है हमें जो रूट है उसके जल के भस्म हो जाए आज यशु मसीह नासरी के नाम में आज जितकी जिनके पास नौकरियां नहीं है प्रभु उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खोल रहे हैं आज जिनके पास घर नहीं है प्रभु उनके लिए वो चावियों का बंदोबस्त कर रहे हैं आपके घर खुल रहे हैं आपके मॉर्गेज खुल रहे हैं प्रभु जिसके पास जिनके जिनके बच्चे नहीं है प्रभु उनको बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं आप अपने पति के साथ समाधान करें आप उनको सॉरी कहे उन उसको ना देखे उसने क्या कहा है आप उसको देखे कि वो दुष्ट आत्माएं थी जो आपको अलग करना चाहती थी क्योंकि आपके बच्चे ना हो ताकि प्रभु की फर्जन ना बढ़े ताकि प्रॉफिट इवेंजलिस्ट पैदा ना हो पास्टर्स ना हो इसीलिए सैतान ये सब कर रहा है आप इस सब बातों को देखे और परमेश्वर की कृपा को देखे और अपने जिंदगी को सवारे जिन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया है वो परमेश्वर के आगे झुक जाए पश्चाताप करे बाइबल नहीं पढ़ते बच्चन को नहीं पढ़ते प्रार्थना नहीं करते आज से वो शुरू करे डबल पोर्शन में करे ताकि आपको भी डबल पोर्शन का मसा मिले मसा ऐसे नहीं मिलता है इलिया के पीछे गया था इसके पीछे लगा रहा था लगा रहा था लगा रहा था क्योंकि उसको पता था इसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है अगर आपके पास प्रभु का मसा नहीं है वचन में बने रहो बने रहो समझ में नहीं आती है तो पास्टर को ये ना कहो मेरे लिए प्रार्थना करो दुआ करो ये कहो मुझे वचन का दान दो मुझे वरदान दो मुझे समझ दो प्रभु क्या कहते हैं वचन में जितना ध्यान लगाओगे उतना तुम्हारी बरकतों को खोलोगे और ये बरकत फिर भी एक दिन आपको निकम्मी लगेगी लेकिन जो आत्मा का दान है वो हमेशा रहेगा आत्मा का दान हमेशा रहेगा दाऊद से परमेश्वर की वर्षिप करता था एक छोटा बच्चा था छोटा सा तंबूरा बजाता था लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया क्योंकि वो वर्षिप करता था आप अगर उठना चाहते हो प्रॉस्पेरिटी चाहते तो वर्शिप करो वर्शिप करो प्रार्थना करो बाइबल पढ़ो प्रभु उठाएगा यूसुफ जो था कुछ नहीं करता था सिर्फ प्रार्थना करता करता था करता था प्रार्थना वो जेल में पहुंच गया लेकिन प्रभु ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया क्योंकि वो प्रार्थना करता था 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 प्रभु के साथ चलता था। जो था, एक छोटा सा चौदह साल का बच्चा था प्रभु की मेज पे खाना उसको पसंद आया उसने दुआएं की तीन तीन टाइम वो घुटने पर गया और प्रभु ने उसको एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया हम देखते ये सब गवाईया ऐसे ही नहीं है पर जोना जो था उसने प्रभु की बात नहीं मानी और कैसे वो अधिक में पहुंच गया था लेकिन फिर भी प्रभु ने उसके उसको बचाया अगर आप चाहते हो उठना ब्लेसिंग को खोलना चाहते हो प्रॉफिट के पास नहीं है तुम्हारी ब्लेसिंग वो 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 तो अपनी प्रभु के लिए उसने अपनी जान दे चुका है वो, परमेश्वर को, वो, वो कर चुका है है परमेश्वर परमेश्वर को ग्रहण कर उसको ले जाएगे, लेकिन तुम्हारी बरकते नहीं खुलेगी जब तक तुम वर्शिप नहीं करोगे वर्शिप में जाओ प्रभु का आत्मा तुम्हारे साथ खड़ा है वर्शिप करना चाहता है तुमसे प्रार्थना करना चाहता है तुमसे प्रभु के दूत तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हैं वो भी चाहते है कि वो एक्टिवेट हो जाए जब तक प्रार्थना नहीं करोगे वर्शिप नहीं करोगे वो एक्टिवेट नहीं होगा बरकत आएगी प्रॉफिट मांगेंगे प्रभु उसका मन रखने के लिए देंगे जैसे मूसा ने दिया था अपने लोगों को लेकिन फिर भी वो चली जाएगी चली जाएगी क्योंकि तुम संभाल नहीं पाओगे इसीलिए वर्शिप करो प्रभु की आराधना करो परमेश्वर आज भी आपके पास खड़ा है आज परमेश्वर का मसा दुगना है दुगना है दुगना है दुगना रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो प्रभु का आत्मा आज तुम पर उंडेल रहा है प्रभु की आग बरस रही है प्रभु की आग बरस रही है प्रभु के दूत हिल

दरवाजों को खटखटाओ प्रभु तुम्हारे लिए हाजिर है प्रभु इसीलिए आया कि वो हमसे कभी जुदा ना हो यशु मसीह इसलिए परमेश्वर का मान रखे परमेश्वर का सम्मान करे परमेश्वर के साथ जुड़े रहे प्रॉफिट के लिए प्रार्थना करे परमेश्वर के दास को ऊंचा उठाए परमेश्वर के दास के बच्चों के लिए दुआ करे उसकी मदद करे प्रभु यशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर की आराधना करने वाला बच्चा जो ब्रदर था साजिल प्रभु उसके लिए मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं उसको देख रही हूँ कोई बड़ी मिनिस्टर में वो बजा रहा है प्रभु मसीह नासरी के नाम में लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता तू वहाँ की घर में प्रभु तभी भी आनंदित था और खुश था प्रभु तब भी खुश था जब वो राजा बन गया था इसलिए परमेश्वर की आराधना इस तरह से ना करो कि तुम लोगों को खुश करते तुम्हारी आवाज खुश है लेकिन परमेश्वर के पास कितनी आत्माएं उन गानों से रोती है और पश्चाताप करती है उससे परमेश्वर खुश होता है परमेश्वर की आराधना करो परमेश्वर तुझे बहुत बरकत देने जा रहा है परमेश्वर तेरे लिए दरवाजे खोल रहा है लेकिन टेम्पटेशन के दरवाजे भी आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं लोग ऑफर करे लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाए रखना अपनी मन्नते परमेश्वर के साथ जो है वो पूरी करना प्रभु तेरे साथ बने रहे प्रभु इन प्लेटफॉर्म पे बने रहे मैं पास्टिक कामरान सिमिना के लिए भी बरकत को जिंदगी को सलामती बोलती हूँ उनके बच्चों के लिए भी सलामती को बोलती हूँ मैं प्रॉफिट के बच्चों के लिए जो यूनि में है उसके लिए मैं प्रॉस्पेरिटी को बोलती हूँ परमेश्वर की सलामती को संगति को बोलती हूँ मैं परमेश्वर का दूत उसके इर्द गिर्द रहता है परमेश्वर का दूध उसकी रक्षा करता है छोटा बच्चा जो है प्रभु उसके साथ रहता है प्रभु उसकी मदद करेगा वो बचनों में चलते है परमेश्वर के साथ चलते दुख सुख उठाते प्रभु उसको बरकत दे जिंदगी दे सलामती दे गुड न्यूज के चर्च के ऊपर भी प्रभु की आराधना हमेशा होती रहेगी परमेश्वर का प्रॉफिट गाता रहेगा परमेश्वर उससे आनंद पाता रहेगा प्रभु प्रभु की आराधना होती रहती है यहाँ पे परमेश्वर की दासी जब प्रार्थना करती है, है, कितनी औरतें उससे कनेक्टेड होती दुष्ट आत्माओं सत्तर बार प्रभु तेरी महिमा हमेशा इस घर में होती रहे तेरा प्रोटेक्शन हमेशा बना रहे प्रभु यशु मसी नाश्री के नाम में प्रभु नॉट नॉट बाय पावर बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वर्ड होली होली गोस्ट Fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen, 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 Amen.